Okay, students. Next question number 3 is use the graph to find how far the car can travel if it has 3 liters of petrol. ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है सबको? इसके एक्स एक्सिस पे आपको पेट्रोल कितने लीटर यूज हुआ है वो शो किया हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स. ओके, तो हमने देखना ये है कि 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. अब एक्स एक्सिस पे है लीटर ऑफ पेट्रोल, तो एक्स एक्सिस पे आपने देखना है कि ये 3 आपके अलोंग इस लाइन पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. ये देखें, ये हमारा यहाँ इसने इंटरसेक्ट किया है इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से, और अब यहाँ देख लें कि ये अलोंग वाई एक्सिस कहाँ बन रहा है. ये 20 और 30 के दरमियान 20 बॉक्सेस हैं, 21, 22, 23, 24 और ये आपका आएगा 27. ओके, सो अलोंग इन 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर. इज इट ओके? सिमिलरली बी पार्ट इज 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो 5 ये है आपका 5.1 एंड दिस इज 5.2. सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करें और चेक करें कि ये लाइन y एक्सिस इस लाइन पे कहाँ मीट करती है. ओके, अब जिसने लाइन को यहाँ क्रॉस किया है अब इसके अलोंग आप y एक्सिस चेक कर लें, ये बनेगा आपका 40, 45 and 47. सो द कार ट्रेवल 5.47 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ओके जी, देन द नेक्स्ट पार्ट बी इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 36 किलोमीटर. हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये तो पता चले कि उसने 36 किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल में किया. तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना यहाँ है कि ये डिस्टेंस है ना 36 किलोमीटर कहाँ इस लाइन पे मीट कर रहा है, और जब उसके अलावा फिर हम वाई एक्सिस पे चेक करेंगे कि उसने कहाँ उसको कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज किए. सो दिस इज 30, 35 एंड दिस इज 36. 36 आपका आएगा यहाँ और इसके अलोंग आप एक्स एक्सिस पे आप देख लें वो आपका कहाँ बन रहा है 4 पे. सो सर कार ट्रेवल 36 किलोमीटर लीटर ऑफ किलोमीटर इन 4 लीटर ऑफ पेट्रोल. अब हमें पता चल गया कि 4 लीटर ऑफ पेट्रोल है. अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें कॉस्ट गिवन है 1.40 उसको 4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इसकी कॉस्ट आ जाएगी. ओके, सबसे पहले हमारा था कि यूज द ग्राफ टू फाइंड हाउ फार द कार कैन ट्रेवल इफ इट हैज 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमें पेट्रोल शो किया हुआ था और अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस था और डिस्टेंस इज इन किलोमीटर. तो हमने 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के लिए हमने देखा कि इस जो लाइन है ये ब्लू कलर की लाइन इस पे ये 3 कहाँ जाके मीट कर रहा है, और उसके अलावा फिर हमने y एक्सिस पे चेक कर लिया कि वो हमें कहाँ मिल रहा है. तो इससे हमें पता चल गया इन 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अ कार ट्रेवल 27 किलोमीटर डिस्टेंस. सिमिलरली पार्ट बी में था 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अब इसमें क्या करेंगे, 5.2 को हमने y एक्सिस के अलोंग देखा, उसके साथ लाइन ड्रॉ की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने y एक्सिस पे चेक किया, वो हमें मिला 47 किलोमीटर. सो द कार ट्रेवल 47 किलोमीटर इन 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ओके, देन बी पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 36 किलोमीटर. गिवन दैट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट $1.40. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि 36 किलोमीटर में पेट्रोल कितना बन रहा है, कि कितने लीटर ऑफ पेट्रोल हमने यूज किए.
तो 36 हमने अलोंग y एक्सिस देखा क्योंकि 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसको अलोंग y एक्सिस हमने देखा और 36 के उसके फिर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ की और फिर हमने उसको अलोंग x एक्सिस देखा। तो वो हमें पता चल गया कि 4 लीटर ऑफ पेट्रोल में उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। अब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है कि जो कॉस्ट थी उसको हमने 4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया है। 40 टाइम्स 0, 44 टाइम्स 16, 0.41 टाइम्स 5, $5.60 में उसने 4 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो उसको परचेज किया। इज इट क्लियर? ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज आवर टुडेज लेसन। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन की बात की। अ कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे एट ओरिजिन। ओरिजिन पे ये इंटरसेक्ट किया है 90 डिग्री पे और यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो। उसके बाद हमने फंक्शन की बात की। ये फंक्शन क्या होता है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। और फिर हमने फंक्शन मशीन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, इनपुट हमने अप्लाई की, हमें आउटपुट मिली बाय आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन था वो डिफाइंड था। उसके बाद हमने ग्राफ की डेली लाइफ एग्जांपल्स पढ़ी कि ग्राफ इज यूज टू फाइंड कन्वर्ट यूनिट्स, समराइज डेटा एंड मैनी मोर। उसके बाद हमने लास्ट वन में देखा कि हमारे पास एक डेली लाइफ एग्जांपल थी, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस एंट्रीज का जो डिस्टेंस था वो हमें डिफाइंड था क्वेश्चन में। अलोंग एक्स एक्सिस क्या था? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट क्या करता था? 1 डे को। और अलोंग वाई एक्सिस $10 रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट में हमने ग्राफ हमें गिवन था उसमें हमने जरा डिफरेंट काम किया। ग्राफ गिवन था उसमें हमने लाइन्स ड्रॉ करके चेक किया कि ये कहाँ कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके सो अब आपने एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 यू विल सॉल्व इन योर नोटबुक्स। ओके एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप अपनी बुक्स पर ही सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ आपकी बुक में गिवन है, ड्रॉ किया हुआ है, उसको आपने उसी पे सॉल्व कर लेना। इज इट ओके? थैंक यू।